आज का हमारा टॉपिक है एनिमल सेल। एनिमल सेल घिरा होता है एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से। यह मेम्ब्रेन सिर्फ कुछ ही मटेरियल को सेल के अंदर और बाहर ले जाती है। ये नहीं कि किसी और प्लांट के और किसी और चीज़ों के सेल जा सके, नहीं, ये सिर्फ एनिमल के सेल को ही लेके जाती है। सेल के अलग अलग पार्ट को ऑर्गेनल्स कहा जाता है, जैसे कि न्यूक्लियस, माइक्रोन्डिया, एंडोप्लाज्मिक एटिक्यूलम, गोल्गी एपेरेटस, लाइसोसोम्स। साइटोप्लाज्म एक जेली की तरह होता है। पर सबसे पहले हम अपनी शुरुआत न्यूक्लियस से करते हैं, क्योंकि ये कंट्रोल सेंटर है किसी भी सेल का। वहीं दूसरा है माइक्रोन्डिया, यह एक तरह का रेस्पिरेशन सिस्टम को देखता है। एक पावर हाउस भी है जो कि एनर्जी छोड़ता है, जिसे आप ATP कह सकते हैं। ATP की ज़रूरत इसलिए पड़ती है ताकि सेल के अंदर या प्लांट के अंदर किसी भी चीज़ के अंदर ग्रोथ हो सके और वो वर्क कर सके। अब अगला है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यह एक बड़ा नेटवर्क है मेम्ब्रेन का। इसका काम है कि साइटोप्लाज्म के अंदर मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करना, इधर से उधर पहुंचाना मटेरियल को। पर वैसे तो दो तरह के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मदद करता है लिपिड्स को बनाने में। लिपिड्स एक कंपोनेंट सेल है मेम्ब्रेन का। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स होते हैं। राइबोसोम्स हेल्प करते हैं प्रोटीन बनाने में। वहीं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन को फिर गोल्गी एपरेटस में भेजता है। उसके बाद प्रोटीन्स को पैक करके बाहर भेजा जाता है। गोल्गी एपरेटस लाइसोसोम्स को बनाने में मदद करता है। लाइसोसोम में पावरफुल डाइजेस्टिव होता है जो सेल डाइजेशन में इस्तेमाल करता है। अगर बाई चांस सेल खराब भी हो जाता है तो लाइसोसोम फट जाता है, जिसकी वजह से सारे एंजाइम्स बाहर निकल जाते हैं। यही डाइजेस्टिव एंजाइम्स खुद को अपने सेल को डाइजेस्ट करता है, क्योंकि ये खुद को मार लेते हैं। इसकी वजह से इनको सुसाइड बैग्स भी कहा जाता है।